हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी किड्स स्टडी में। आज हम बताएंगे आप लोगों को संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा की परिभाषा टोटल इस वीडियो में बनाएंगे। यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलिएगा। अच्छा यह वीडियो लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो के तरफ। संज्ञा के परिभाषा है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में है नदी, पहाड़, हवा, दूध, सीता इत्यादि। अब हम बताएंगे संज्ञा के पांच भेद। संज्ञा के पांच भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम बताएंगे, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे में है राधा, गंगा, दिल्ली, पटना इत्यादि। अब नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है लड़का, पहाड़, नदी, बैल, वृक्ष इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में है ईमानदारी, चलाकी, लालिमा, जवानी, लंबाई इत्यादि। समझने योग्य है भाववाचक संज्ञा वे शब्द हैं जिसे हम अनुभव के आधार पर जानते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है सभा, मेला, सेना, भीड़, निरोह इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है दूध, सोना, कोयला, घी, चावल इत्यादि। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।